ताती ना, मैं कोई अच्छा सा इंतजाम कर लेती। अरे भाभी खैर है अपने घर, बस क्या बताऊं, हमारा सारा सारा दिन परेशान रहती है, मैंने सोचा आप ही क्या आ जाते हैं। अच्छा किया ना, हमारा तो कितने सालों बाद हमारे घर आई है, बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे नहीं जाने दूंगी, खाना खाए बगैर नहीं जाना। अरे अरे नहीं तैजान, इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचना है। बेटा इतनी जल्दी? अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये नहीं जाएंगे, ये बाद में आएंगे। चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी ताई जान इतना इसरार कर रही है, खाना खा के चले जाएंगे। जी जैसी आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम चाची जी। क्या हाल है सकलेन? तस्कीन नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? अब भाभी अपने कमरे में है, आराम कर रही हैं। इस वक्त? जी वो भाभी कैसी तबीयत है तस्कीन की? वो बैठी है, अज़ीम सर, अज़ीम सर वो उधर बैठे हैं, अज़ीम सर, अज़ीम सर वो उधर बैठे हैं। वो मलिक साहब बेगम साहिबा को दौरा पड़ा है फिर से, और बख्तन बीबी भी घर पर नहीं है। हाँ हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ अम्मी, मैं बस अभी आया। जी आप ये बताएं कि स्किन की तबीयत कब से इस तरह हो गई? बस भाभी क्या बताऊँ, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो गई है। वो तो ठीक है, कोई इलाज वगैरह हो रहा है क्या? माँ जी भाभी अब आपसे क्या छुपाना, बहुत इलाज करवाए, ढेरों दवाएं खाती है, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। अल्लाह खैर करे। स्कीन मेरा यकीन मानो, यहाँ कोई नहीं है। स्कीन प्लीज शाबाश। आप कहीं जा रहे? मैं कहीं जा रहा हूँ? कहीं नहीं जा रही हूँ। अब ये नहीं देखना है। अब ये आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ऐसी क्या खता थी मेरी, ये तो ना सजा थी मेरी। माँ जी चलें। बेटा बेटा खाना। ताईजान हम फिर कभी आएंगे, अभी हमें जाना चाहिए। अरे भाभी कोई बात नहीं, फिर कभी से फिर आ जाएंगे। चलें आपसे भी। अरे नहीं कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, फिर खा लेंगे। चलो ख्याल रखें, आऊंगी फिर। चल चल बेटा।